भिखारी तो नहीं, एक आलसी लड़की जिसे दुनिया में अपनी पढ़ाई और नींद के अलावा किसी चीज का कोई लेना देना नहीं था। वो कंप्यूटर के सामने बैठी कोई नई इक्वेशन का इजाद करती, जोर जोर से उबासियां ले रही थी। आजकल की माओ के लिए ये बड़ा ही फक्र का दृश्य होता है, लेकिन 90s में माओ का अलग ही सीन था। लड़की पढ़ती है, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और था। और इसी के साथ 125वीं बार वही सेम डायलॉग। उठो कांची, क्या हंसी जैसी बैठी रहती हो हर समय, थोड़ा तैयार हो, कुछ करो, अच्छे से रहा करो, ससुराल जाके मेरी नाक कटाओगी क्या? में DDLJ देखकर ख्यालों में डूबे रहना तो हर लड़की का कॉपीराइट है। फिर हमारी 18 साल की कांची कैसे इस सुख से वंचित रह जाती? वो अलग बात है कि उसका राजकुमार इंडिया में था ही नहीं, लेकिन तब वो ये बात कहां जानती थी। दिल को कड़ा करके कांची चली तो गई, लेकिन एक पल भी नहीं था जब वो घर के बारे में नहीं सोचती थी। पर उस वक्त कांची ये नहीं जानती थी कि अगले ही पल उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकते हो, और हाँ, मैं ना बोलूँ तो आप मेरे साथ चल सकते हो।
इधर था जब ये हाल तो फिर कैसे गलने से रह जाती उधर हमारी हीरो की दल। चलिए अब हम उस सीन पे फास्ट फॉरवर्ड होके चलते हैं जब दो शायर लोगों के बीच प्यार का ये अजीब अनोखा इकरार हुआ था। एंड दैट्स व्हेन कांची न्यू दैट ही इज द वन। क्या हुआ कलिका, तुम्हारी आंखों में ये नमी कैसे? पता नहीं, मेरा मन कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मुझे डैडी की याद आ रही है। ऐसा क्या है जिसे मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशी ला सकता? क्या आप मेरे लिए संतरे ला सकते हैं? जैसे हर स्टोरी में एक विलन होता है वैसे ही इनकी कहानी में शुरू होते ही एक विलन टपक पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जहां भगवान की मर्जी होती है वहां किसी का जोर नहीं चलता। हाथ मेरा थाम लो, साथ जब तक हो, बात कुछ होती रहे, बात जब तक हो, सामने बैठे रहो तुम, रात जब तक हो। Will you marry me? Marry me? Marry me? Marry me? कतई गलत नहीं होगा कि ये दो भागों में बटी हैं। पहला जिसमें होता है दो परिवारों का मिलन। दोनों परिवारों में हुई मुलाकात, झट से मान गए पेरी अंकल लाने को बारात। श्रीवास्तव खानदान ने जम के किया उभगत, और इसी तरह एक पंजाबी परिवार में हुआ कायस्थ बहू का स्वागत। मजे करते दीदी को मिल गए अपने राजकुमार, और हमें मिल गए। मजाक